मवाली तक ख्वासपुर सड़क पर बल्दिया लाला मूसा की ट्रालियों ने आधा किलोमीटर सड़क को तंग कर दिया। रिपोर्ट जानते हैं राणा तनवीर सिद्दीकी और नसरुल्ला मजीद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लाला मूसा शहर का कूड़ा मिंबर के किनारे पर सड़क के ऊपर ही फेंक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को तूफान का सामना है। बदबू से शहर की जो तस्वीर उभरती है वो राहगीरों के लिए लाला मूसा का तारफ कराने के लिए काफ़ी है। आप देख रहे हैं कि पीछे काफ़ी जगह पड़ी है, लेकिन फिर भी बल्दिया की ट्रालियों ने बल्दिया का कूड़ा फेंकने वाली ट्रालियों ने इस कूड़े को सड़क के ऊपर फेंकना मुनासिब समझा। अभी एक रिक्शे वाला है, ये भी कूड़े को सड़क के ऊपर फेंकने पर रजामंद नज़र आ रहा है, और इसके अलावा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई कैसे हो जब खुद बल्दिया के अहलकार शहर का कूड़ा सड़क के ऊपर फेंकेंगे, तो फिर रास्ता यकीनन बंद होगा। ये आप हालात देख लें, ये तकरीबन आधा किलोमीटर के करीब सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक दिया गया है, जिससे यक तरफा ट्रैफिक ही चल सकती है। आप सड़क का सूरत हाल देखें। लाला मजीद जज्बा न्यूज़ से लाला मूसा से। इस वक्त हम बानोवाली रोड खासपुर रोड पर खड़े हैं, क्यों इस वक्त हम गंदगी का जो एक आधा किलोमीटर का है ये बल्दिया की नाइली की वजह से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि एक सड़क एक ऊपर सारा फेंक रहे हैं। बल्दिया का अगर यही काफ़ी जगह पड़ी हुई है जिसकी वजह से कूड़ा का करकट के फेंकते, अगर बल्दिया लाला मूसा की नाइली की सजा आवाम को दी जा रही है, क्योंकि ये हमारे पास मशीन खड़ी है, हमारे पास मशीन खड़ी है, देखें ये तकरीबन 3500 रुपया घंटा फी लिया जा रहा है इसका मुआवजा। 3 दिन में ये सारा काम कंप्लीट होगा, जिस पर 84,000 रुपया लागत आएगी, इसका कौन जवाब दिया है? बल्दिया पीपल पार्टी की हुकूमत भी आई, नून की भी, इस वक्त पीटीआई की, कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। आवाम को गाड़ियों को यहाँ गुजरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, या वन साइडेड का गाड़ियाँ जा रही हैं, इसका अजाला कौन करेगा? हाजी शबीर भट्टी कोऑर्डिनेटर बल्दिया ने जज्बा न्यूज़ की निशानदाही पर क्या एक्शन लिया, इन्हीं से सुनते हैं। सब कूड़े दे वास्ते जो खासपुर रोड दे उहदे वास्ते की इंतजाम तुसीं कर रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वास्ते असीं इंतजाम कीते ने, कल असां मंगवाया बलडोजर, वह बलडोजर कल कोई 5 घंटे कल काम किया, 5 घंटे काम कर बैठा, 10 घंटे काम कर बैठा, तो तकरीबन रस्ता है 1 किलोमीटर रस्ता तकरीबन जरा असी इंशाला साफ करना है, तो वह रेट मुकया 3300 रुपया फी घंटा, ठीक हो गया जी। अगे असी इंशाला इस तू बाद बुलावे कर रहे हैं कि उस कूड़े उपर जो ट्रालियाँ साड़ी साइड तक कूड़ा खड़ी जाके असी उ रोड बना रहे हैं, जिद बजरी जा पा के या केरी पा के ट्राली अगे जाएगी वो कूड़ा कैसे दी, एना वास्ते कोई किसान मसला ना बने भी ना रोड से कूड़ा आवे तो ना सू मसला करना करना पड़ जाए, सफाई करनी पड़े। तो उस बाद असी इंशाला वाला एसी साहब आए ने, उन्हें कहा कि 5 एकड़ जमीन लो इस कूड़े वास्ते, वह भी असी इंशाला तला जो अला का काम ने तो पहुँचाता है, ये भी इंशाला बड़ी जल्दी मैद है कि यह भी काम हो जाएगा। बाकी फिलहाल असं ये वो जो कूड़ा चुकना कम करने पे उस गली रोड बना के तो इंशाला अगे हटा दे, दोबारा इंशाला तला ये रोड बंद नहीं होगा तो मिला रहा। जे ट्रालियां वाले मुलाजमीन उत्तर कूड़ा फेंकते हैं वास्ते की आइंदा दसदा है? जो ट्रालिया असं नोटिस दे रहे कि जोड़ा बंदा सट्टे वो आप खुद चुके, इंशाला इस बार ट्राली रोड पर नहीं आने लगी है।